ये दूं फोन तेरे को मैं और सिंहासन में बैठे बैठे देने वाली हूँ बस अब तेरे को अकेले नहीं समाज के साथ सभासदों के साथ पुरजन सभी दूंगी मैं सभी के सामने अचानक महाराज दर्पण उठाया शीशा उठाया और दर्पण देखने लगे दर्पण देखने का मतलब ये है अपने आप को देखना अपने आप को निहारना वीडियो बनाते हो लोगे लातो तक हां बहुत जरूरी है अपना अनुसंधान करना अपने को खोजना अपने को पहचानना अपने को समझना अगर हम खुद अपने आप को नहीं देखेंगे बस ऐसे उंगली डालने के लिए नहीं बोलेंगे फिर लोग समझाने मत करके चू लोग शीशा दिखाने लग जाएंगे देखो आप ये हो मेरे वाले और निकाल दे तो कोई दूसरा हमें स्विच ऑफ है समझाए उससे अच्छा ये है कि हम खुद समझ जाए लेकिन व्यवहार की दृष्टि से बड़ा अनुचित सा लग रहा है कि दर्पण देखना है शीशा देखना है तो समाज में लोगों के बीच में अब हम यहाँ दर्पण देखने लग जाए तो आप लोग कहोगे कि कमरे में देख लेते सीतामढ़ की शीशा वहां कमी रह गई थी क्या 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 देख रहे व्यवहार की दृष्टि से स्थान दर्पण देखना चाहिए पर कहां देखना चाहिए गलत जगह दर्पण देखना और देखा तो क्या दिखाई दिया श्रवण समीप भय सिद्ध के 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 नजर आ रहे बाल सफेद हो गए मानो ये समझ आ गया कि वृद्धावस्था आ गई है और वृद्धावस्था उपदेश कर रही है